मैं अभी जा रही हूँ राखी की शॉपिंग करने के लिए, तो जो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो क्या, जो एक दो राखी लेकर आऊंगी हाँ अभी मैं राखी शॉपिंग कर रही हूँ। बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ आई हुई हैं वैसे तो, है ना, कुछ डिफरेंस ही है। ये बना दियो भाई, वही बनाते हैं। तो गाइस मैं आज कुछ अलग टाइप का ऑमलेट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मशरूम लिए हैं और बटर, तो इनको अच्छे से इसमें रोस्ट करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बिल्कुल नए तरीके से आज ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो एग लिए हैं, उसके अंदर डाल दिया ओरिगैनो, ओरिगैनो के बाद डालेंगे थोड़े से रेड चिली, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो आप, मेरे फिलहाल ख़त्म है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लो। बस इसको कर लो एक बार मिक्स अच्छे से। हम यहाँ पे फिर से हल्का सा देसी घी डाल लेंगे, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग बटर या जो भी डालना चाहो वो डाल लो। हमारा जो एग है मैंने इसको डाल दिया, एग कुछ ऐसे हो गया। अब हम इसके ऊपर जो हमारी हमने ये रोस्ट करी है ना, नाम भूल गया, मशरूम, उनको डाल देंगे ऐसे, थोड़ा स्प्रेड कर देंगे ताकि। तो मैंने अब इसके ऊपर मशरूम स्प्रेड कर दिए अच्छे से, तो मैंने अब ऑलिव्स भी डाल दिए थोड़े से। अब लेंगे हम अपना रैप और इसके ऊपर स्टिक करेंगे इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ताकि इस पर चिपक जाए खुद से। अब लगाएंगे थोड़ा सा बटर और घी, आप ट्राई करके देखना, थैंक यू बोलोगे मुझे, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो अभी मैंने फ्लिप कर दिया है, अब अच्छे से कुक होने देंगे और ये रेडी हो जाएगा हमारा। तो ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा इसके ऊपर कलर आया है, और बस ये ऑलमोस्ट हो गया। अब इसको बंद करके सर्व कर सकते हो आप लोग। सो गाइस राखी की क्लिप तो मैंने डाली दी थी, और प्रवेश अभी जस्ट आए थे एक बार दोपहर में, अभी 3:30 हो रखे हैं, क्योंकि प्रवेश को आज जाना है बालाजी, तो सरासर बालाजी, हम पिछली बार गए भी थे, मैं भी गई थी, वीडियो डाली हुई है मैंने, तो उनको जाना था, साथ में उनके फ्रेंड थे उनको जाना था, तो उन दोनों को जाना था, तो मैं घर पर अकेली, तो बाई चांस एकांश दिल्ली आया हुआ था, तो मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा चल मेरे को भी फिर घर ले जा, क्योंकि राखी भी है परसों, तो मैं अकेले भी क्या करूँगी, और वैसे भी मतलब फीवर में थोड़ा ये हो रहा है कि चलो यार एक दो दिन आराम कराऊंगी, मतलब बैठ के खाना वाना खा लूँगी और थोड़ा मेरे को भी मिल जाएगा आराम, क्योंकि प्रवेश भी घर पे नहीं है। सो पैकिंग वैकिंग मेरी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा बैग पैक है, और प्रवेश भी बस अभी गाड़ी गई है उनकी, और आप सबको मेरे टैलेंट का एक क्या कहते हैं उसको, छोटी सी झलक दिखाने वाली हूँ मैं। ये मेरी मेहंदी है, बिल्कुल हंसना मत, मैंने दीदी को लगाई है यार, मैंने मतलब लगा रही, और ये दीदी की है, ये तो दिखाओ ही मत। तो ये कुछ मेरी मेहंदी है, अगर किसी को लगवानी है तो आप घर पे आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। जिसको एड्रेस नहीं पता वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, किसी को भी लगवानी है तो आप, कोई नहीं कोई नहीं, आपने एटलीस्ट शगन की मेहंदी तो हो ही गई, दोनों हाथ तो मेरे चल रहा, आप कोई नहीं। यहाँ पे लूडू की फ्राइज बन के रेडी है, लेने आ गया है, क्या चाहिए देखो, कितना खुश है, लो हॉट है लेकिन टच नहीं करना है, मम्मा पास ले जाओ चलो। और शाम को कितना प्यारा वेदर हो गया है, बारिश का मौसम है, हल्की हल्की हवा स्टार्ट हो गई है आनी, और पक्षी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है ना, तभी ये उड़ उड़ के जा रहे हैं। और एकांश का भी कोई आता पता नहीं है, बेचारा ट्रैफिक में, दिल्ली की ट्रैफिक। सो गाइस अभी हम लोग घर से तो निकल गए हैं, और काफी लेट हो गया था एकांश को आने में, पता नहीं कहाँ घूम रहा था, वो तो घर जाके पूछूंगी इससे, पूरा दिन इसने मेरा वेस्ट करा दिया आज। लेकिन घर पहुंच के फिर आप लोगों से मिलते हो आराम से, या फिर रास्ते में अगर खाना पीना होगा तो आप लोगों से शेयर कर दूंगी जो भी होगा।
और प्लीज जो चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन आती रहे। उसी शॉप पे आ गई मैंने, ये जहाँ पे स्टफ्ड गोलगप्पे पिछली बार घर गए थे प्रवेश के साथ तब भी मैंने यहीं पे खाए थे। तो गाइस आप लोगों को याद होगा ये वाली शॉप पे मैं भी पिछले हफ्ते आई थी प्रवेश के साथ, अल्टीमेट स्टफ गोलगप्पे थे। और तो ये आ गई है मेरी प्लेट और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत यम्मी लगे खा के देख। पहले तू ही देख रिव्यू लेके। अच्छा है ना, यहाँ पे छोटा सा बच्चा राखी सेल कर रहा है तो मम्मी इससे राखी खरीद रही है। अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसे बंदे हैं तो आप लोगों को इन्हीं से राखियाँ खरीदनी चाहिए। वैसे मैं लेकर आई थी और बहुत प्यारी प्यारी राखी ले रखी है इसने। कौन सी ले रही मम्मी? ये वाली देख रही है, प्यारी लग रही है। तो इस घर पे तो मैं आ गई थी रात को और ब्लॉग एंड नहीं कर पाई और मम्मी को भी मेरी फीवर हो रखा है यहाँ के, देखा इतने तेज बुखार और खांसी जुकाम, मेरे वाली सिचुएशन है सेम टू सेम। अब भी काम कर रही थी बस, तो इस ब्लॉग को तो यहीं पेंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग से मैं शुरू कर पाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इतना बिग वाला थैंक यू, आपने इतना ज़्यादा प्यार कमेंट लास्ट वाले ब्लॉग में दिया एंड अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ एंड यप मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय।